नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूँ आपके साथ माधुरी करार, हाजिर हूँ लेकर देश का सवाल और कहूंगी बार बार कि देश को जवाब दो। आज हिंदुस्तान पूछ रहा है कि कल तक चोट को हमला और साजिश बताने वाली ममता दीदी आज हमले को हादसा क्यों बता रही है। सवाल इसीलिए क्योंकि दीदी को नंदीग्राम में जिस जगह चोट लगी थी वहां का सीसीटीवी वीडियो फुटेज सामने आ चुका है और उसमें कहीं भी कोई भी शख्स या चार पांच लोग ममता दीदी पर हमला करते नहीं नजर आ रहे। ये गौर से सुन लीजिए, खबर यही है। इस वीडियो में कहीं भी ऐसा नहीं लग रहा कि किसी ने जानबूझकर ममता दीदी को चोट पहुंचाई हो। सवाल ये है ना कि ममता दीदी ने सबूत सामने आने के बाद चोट की थ्योरी क्यों बदल दी। शायद वो वीडियो और चश्मदीद सामने ना आते तो इस चोट से वोट बटोरने की पूरी कोशिश होती, जिसकी शुरुआत आज टीएमसी कार्यकर्ताओं ने प्रदेश भर में कर भी दी प्रदर्शन और हंगामा करके। तो सबसे बड़ा सवाल यह भी कि 24 घंटे के अंदर ममता दीदी के चोट की थ्योरी बदल क्यों गई। देश को जवाब दो, 24 घंटे पर पहले ही चोट को हमला और साजिश क्यों बताया गया। देश को जवाब दो, क्यों चोट लगने के बाद बोला कि पता नहीं चला कैसे चोट लगी, क्यों साजिश का आरोप लगाया। दीदी देश को जवाब दो, क्या चोट पर सियासी संग्राम छेड़कर नंदीग्राम जीतने का प्लान था आपका? क्या टीएमसी को वोट इसीलिए चाहिए था, इसीलिए ममता दीदी आपको चोट लग गई? इसी मुद्दे पर बहस करूंगी। बहुत बड़ा पैनल मेरे साथ इस वक्त मौजूद है, लेकिन सुन लीजिए 24 घंटे में ममता के चोट की थ्योरी बदल क्यों गई। ममता दीदी ने 24 घंटे पहले चोट को साजिश क्यों बताया था? क्या चोट का खेल सिंपैथी गेन करने का, सिंपैथी का मेला बटोरने के लिए था? देश को जवाब दो, क्या टीएमसी को वोट चाहिए था इसीलिए दीदी को चोट लगी? और वोट के लिए टीएमसी कितना खेला करेगी, क्योंकि लगातार खेला होबे यही नारा तो दे रही थी, यही तो नारा चल रहा था बंगाल में। लेकिन खेला तो हो चुका और खेला भी ऐसा होगा कि किसी ने सोचा नहीं। इस बार का बंगाल का चुनाव बहुत ज्यादा रोचक है और ऐतिहासिक होगा। लेकिन कल शाम 8 बजे के बाद जो ड्रामा पश्चिम बंगाल में देखा गया, नंदीग्राम से लेकर कोलकाता तक देखा गया, वो ड्रामा आज अपने चरम पर है। प्रदर्शन किया गया टीएमसी की तरफ से कि दीदी पर साजिशन हमला हुआ, सीसीटीवी फुटेज सामने आ गया, आप एक्सपोज हो गए, तो आपने फिर सिंपैथी गेन करने के लिए कह दिया कि ये तो हादसा था। आपके लिए हादसा और साजिश में इतने बड़े अंतर को आपने ऐसे झट से पलट दिया, ये सब वोट का खेल है। सवाल कई सारे होंगे, मेहमानों से मिलवाओ, इससे पहले रिपोर्ट देखिए। ये सरासर एक सियासी पखंड, वो राजनीति कर रहे हैं कार्यकर्ता आपस में भिड़े हुए हैं, लेकिन पुलिस चोट पर मचा बवाल है क्योंकि वोट का सवाल है। वोट के लिए छिड़ा सियासी संग्राम, चोट जिताएगी दीदी को नंदीग्राम, वो राजनीति कर रहे हैं। हम चाहते हैं इन चीज़ों पे राजनीति नहीं होना चाहिए और चुनाव आयोग को जल्दी से खुलासा करना चाहिए। ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि ममता दीदी को नंदीग्राम के जिस बिरुलिया बाजार में चोट लगी थी उसका सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। आप भी ध्यान से देखिए, इसमें कहीं नहीं लग रहा कि दीदी को किसी ने जानबूझकर घायल किया या उनके समर्थकों के हुजूम के बीच किसी विरोधी ने ऐसी साजिश करने की हिम्मत भी की होगी। सीसीटीवी के सबूत को और पुख्ता किया वहां मौजूद चश्मदीदों ने। सुनिए कैसे लगी होगी ममता दीदी को चोट। फुट बलता धक्का नहीं मिलता है, कोई धक्का नहीं। पोस्टर मैंने पोस्टर ले गया, मैंने तो जरा चिपे गए। हाँ जरूर बोलते, उसमें धक्का लग गया था, दबरजा लग गया। यही जगह गाड़ी छिला। सीसीटीवी का वीडियो और चश्मदीदों के बयान सामने आने के बाद अचानक दीदी अस्पताल के बेड पर लेटी हुई एक बयान जारी करती हैं।
और उसमें कहती हैं कि गलती से कार पैर पर चढ़ गई थी। कल तक हमले को साजिश कहने वाली दीदी आज किसी पर आरोप नहीं लगाती और अपने समर्थकों से शांति बनाए रखने की अपील करती हैं। और कहाँ का चोट लगा आपको, कहाँ का चोट लगा, पैर में? दीदी ये क्या किसने चार्ज किया? दीदी किसने के चुनाव आयोग में? चार्ज किया? हाँ दीदी, वो और दीदी जो आपका आप कलकत्ता जा रहे हैं। हमें सबाई के विशेष करे हमारे जरा करुण भाई बोनेरा आछेन এবং সাধারণ মানুষ আছেন, এটা ঠিক যে কালকে খুব জোর আমার লেগেছিল, থেকে ডাক্তারদের চিকিৎসাধীন আমি আছি। আমি অনুরোধ করব আমার সকলের কাছে যে সকলে শান্ত থাকুন, সংযত থাকুন, ভালো থাকুন, আর এমন কিছু করবেন না যাতে মানুষের কোনো অসুবিধা হয়। আমি আশা করি দু তিন দিনের মধ্যে আমি আবার নিজের ফিল্ডে ফিরে যেতে পারবো। लेकिन मामला इतना गर्म हो चुका है कि चुनाव आयोग, स्थानीय पुलिस सब सच्चाई जानने के लिए जांच में जुटे हुए हैं। तो दूसरी बिल्डिंग में शिफ्ट किया जा रहा है ममता दीदी को। अगर बता दूं कि कोलकाता के एसएसकेएम हॉस्पिटल में उन्हें वार्ड नंबर 12 में भर्ती किया गया था, जहां दीपेंदु सरकार जो सर्जन थे उनकी 7 लोगों की टीम उनका इलाज कर रही थी। सुबह से दीदी का जो इलाज चल रहा था उसके बाद अब की जो तस्वीरें आ रही है वो सीधी टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। कोलकाता के एसएसकेएम हॉस्पिटल से ही हमारे रिपोर्टर्स लगातार इस कवरेज पर जारी बने हुए हैं। मेरे सहयोगी सरफराज सैफी इस वक्त भी हॉस्पिटल के बाहर मौजूद है, लेकिन इस वक्त की अपडेट में आपको दे रही हूं कि ममता बनर्जी को अब दूसरे ब्लॉक में शिफ्ट किया जा रहा है, वहां सिटी स्कैन होगा। ममता दीदी की एक फोटो सामने आई थी, आपको याद हो कल ममता दीदी को पैर में चोट लगी, उसके बाद उनका यहां पर नंदीग्राम से ग्रीन कॉरिडोर बना के उनको कोलकाता के एसएसकेएम हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया, जहां की तस्वीरें लगातार हमने आपको दिखाई। अभी जो लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं वो एसएसकेएम हॉस्पिटल के बाहर की है, जहां वार्ड नंबर 12 में से ले जाकर दीदी को दूसरी बिल्डिंग में, दूसरे ब्लॉक में शिफ्ट किया जा रहा है सिटी स्कैन के लिए। सरफराज सैफी मेरे सहयोगी इस वक्त मेरे साथ बने हुए, सरफराज क्या अपडेट है? देखिए माधुरी, इस वक्त की मैं अपडेट अपने दर्शकों को बता दूं कि यहाँ पर अभी जस्ट अभिषेक बनर्जी आए हैं। तस्वीरें मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ, ममता दीदी के रूम में वो बिल्कुल अभी गए हैं और यहाँ पर हलचल अभी तेज हुई है। मैं एक बार फिर से अपने कैमरामैन से कहूँगा आइए जरा करीब से हम तस्वीरें आपको दिखाने की हम कोशिश करते हैं जी। अभिषेक बनर्जी आए हैं और यहाँ पर जबरदस्त नारेबाजी भी हो रही है, लोगों में काफी नाराजगी है, भीड़ भी देखिए काफी ज्यादा बढ़ गई है और ये इस वक्त आप देख रहे हैं कि भीड़ काफी ज्यादा बढ़ गई है। देखिए ये लोग नारेबाजी कर रहे हैं, ये यहाँ पर हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। अभिषेक बनर्जी यहाँ पर आए हैं, ये देखिए टीएमसी के कार्यकर्ता भी यहाँ पर मौजूद है, टीएमसी के कार्यकर्ता भी यहाँ पर मौजूद हैं इस वक्त। मैं उनसे बात करता हूँ। सबसे सैफी इस वक्त अपडेट जो आप लोग बता पा रहे हैं, देखिए लोग ये नारेबाजी, दूसरी तरफ दीदी को दूसरे ब्लॉक में शिफ्ट किया जा रहा है। तस्वीरें हमारे पास लगातार पहुंच रही, सैफी मैं वापस आपके पास आ रही हूं, क्योंकि अब सवाल ये भी कि भैया प्रदर्शन की जरूरत कहां है? दीदी खुद कह रही है कि हादसे का शिकार हो गई। जी हिंदुस्तान पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त जो मैं आपको दिखा पा रही हूं वो एसएसकेएम हॉस्पिटल की है, जहां दीदी को अब पहली बिल्डिंग जिसमें वार्ड नंबर 12 में दीदी को रखा गया था, कल रात लाकर यहां पर शिफ्ट किया गया था और अभी की तस्वीरें देखिए, स्ट्रेचर पर लाया गया है दीदी को सीटी स्कैन के लिए, दूसरी बिल्डिंग में पहुंचाया जा रहा है। सैफी क्या अपडेट आपके पास, ग्राउंड पर क्या दिखा पाएंगे आप? हाँ देखिए अपडेट ये है कि यहाँ पर अभी अभिषेक बनर्जी आए थे, जैसे मैंने आपको बताया यहाँ से दूसरी बिल्डिंग में लेके गए हैं एम्बुलेंस के जरिए और वहाँ से वापस ममता दीदी अपने रूम में आएंगी। सिटी स्कैन होगा वहाँ पर, उनका जो ट्रीटमेंट है, जरूरत की चीज़ें वहाँ पर होगा और उसके बाद वहाँ पर हो गए, यानी अब यहाँ पर बिल्डिंग परिसर में ही उनको लेकर गए हैं, वहाँ उनका चेकअप होगा और उसके बाद वापस इसी रूम में आने वाली हैं। हालांकि आगे मीडियाकर्मी को जाने की इजाज़त नहीं है, अगर आप कहेंगे तो मैं एक बार तस्वीरें अपने कैमरामैन से कहूँगा दिखाने की कोशिश करेंगे। अभिषेक बनर्जी जैसे मैंने आपको बताया था कि अभी आंटी को दें, जैसे मैंने आपको बताया था वैसे ही यहाँ पर आया है और उसके बाद में अब वहाँ उनका चेकअप होगा और चेकअप होने के बाद वापस वो अपने रूम में आएंगी।
अपने रूम में आएंगी। इस वक्त मैं सीधी तस्वीर आपको दिखा रहा हूँ। आइए बताइए क्या कहेंगे आप। ये तो सवाल ये है कि पूरा बीजेपी का हमला है। अब जो भी बोलो पूरा साजिश है। टोटल जनता से पूछो आप लोग, और आप लोग खाली दूसरा दिखा रहा है, बैंड हो गया, ये हो गया, क्या दिखा रहे हो? ये तो साजिश है। मैं जी हिंदुस्तान से हूँ। अरे भैया मैं जी हिंदुस्तान चैनल से हूँ। मैं ये बता रहा हूँ कि ममता दीदी इस हॉस्पिटल से निकलकर दूसरे हॉस्पिटल गई हैं अपना चेकअप कराने के लिए, वापस आएंगी। मैं जी हिंदुस्तान से सरफराज सैफी हूँ। अच्छा ठीक है, तो आप लोग तो सही दिखाते हो, लेकिन ये जी सब में तो देखो गलत बात है ना दादा, ऐसा देखो गलत बात हॉस्पिटल है। नारेबाजी नहीं, प्लीज नारेबाजी। इनको ये पूछिए सरफराज सैफी, इनको ये पूछिए कि हादसे की थ्योरी आ चुकी है पूरे इस कहानी में। अब ये हादसा बताया जा रहा है क्योंकि सीसीटीवी फुटेज सामने आया है जिसमें किसी तरह की धक्का मुक्की नहीं हुई दीदी के साथ, किसी ने चोट नहीं लगाई दीदी को। ये प्रदर्शन क्यों? अरे बाबा जी, वो भी हॉस्पिटल जैसी जगह पे। इस तो बीजेपी का षड्यंत्र है। आप क्यों देखा था जो खंभा लगकर इसका चोट होया है? इसका पॉलिटिक्स क्यों कर रही है? इसका षड्यंत्र है। इस तो बीजेपी का षड्यंत्र है। इसलिए दीदी को जो होता है ये बीजेपी का घात लगता है। यदि यह बंगाल है, बंगाल में खेला होगा और मैं जीतूंगा और बंगाली है, दैट इज फाइनल डिसीजन, वेयर मस्ट बी विन। ठीक है ममता जी, दादा आप रुक जाइए, एक एक करके नाराज की देखिए लाइव है, नारेबाजी नहीं हॉस्पिटल है प्लीज आई रिक्वेस्ट यू हॉस्पिटल नारेबाजी नहीं। खंभा का लग गया तो गाड़ी चुरमार हो जाएगा। दीदी का पा का क्या चोट लगा है? उसने चार आदमी में ठोकर मार दिया, दीदी के मारने के लिए टक्कर कर। अरे सैफी इनसे पूछिए कि एक वीडियो सामने आया है, उस वीडियो में कहीं नहीं दिख रहा कि दीदी को किसी ने चोट लगाई हो, दीदी को किसी ने धक्का मुक्की की हो। इसीलिए अब ये साजिश से हादसा हो गया है। ये लोगों को अभी तक समझ नहीं आएगा क्योंकि जो काम करना था वो कल रात में दीदी ने कर दिया, कह के मेरे खिलाफ साजिश है। जो सिंपैथी गेन करके वोट लेने थे उसका कहानी शुरू कर दिया उन्होंने। कि चोट लगी है खंबे से टकराकर, ऐसा कुछ वीडियो आया आपका पास? गलत है, रॉन्ग है। आपका पास वो नहीं, इनके पास कहां से आई ये बात? आप गप कर रहे हैं, बिल्कुल हमारे पास है वो सबूत। वो आप जानते हैं, दिखाइए आधा क्लिप नहीं, आधा है और ना तो मेरा बात सुनिए, हमारा कोई बात, हमारे वो आधा ही दिख रहा है, पूरा नहीं दिख रहा है। आप लोग मुझे जानते हैं ना, मैं आपको बहुत बहुत देखा हूँ, सॉरी मैं आपके लिए उस बोला, लेकिन वो जो दिख रहा है ना वो आधा दिख रहा है, पूरा नहीं दिख रहा है। पूरा दिख, और वहाँ पर ही अभिषेक बैनर्जी को वहाँ पर ही थप्पड़ मारा हुआ था वो जो, ये पूरा साजिश है। अब कोई भी हालत में ममता दीदी तो 200 सीट लाएगा, कोई भी साजिश कर ले। हम कह रहे हैं कि देखिए मेरी सहानुभूति, मेरे चैनल की सहानुभूति ममता दीदी के साथ है, चूंकि उनके चोट लगी है, हम उनके स्वास्थ्य की कामना करते हैं। हम जी हिंदुस्तान सुनिए, जी हिंदुस्तान देख मेरी बात सुन लीजिए, ये हादसा है या हमला है वो जांच की बात है। हादसा नहीं है, हमला है। अरे चुपचाप अम्मा, एक सेकंड, नाराज अम्मा नाराज नहीं। आप लोग देख रहा है टीवी में देख रहा है, हादसा नहीं है, वो खम्मा में लागे। ठीक है सैफी, लेकिन खम्मा में जब लगा है गाड़ी तो सही है ना? आप थे वहाँ पर मौजूद? नहीं, आप लोग देख रहे हैं? हम लोग वहीं थे, हमारे तमाम 12 रिपोर्टर। सुनिए ममता दीदी सुनिए, अरे भैया हम वहाँ पर मौजूद था। अरे आप सर मेरी बात सुनिए, आप मेरी बात सुनिए, 12 रिपोर्टर होगा तो लाइव क्यों नहीं दिखाया? एसपी जो चेंज किया है, एसपी कहाँ गया? जो टाइम एक्सीडेंट हुआ था एक मिनट, आज मेरा बात सुनिए, एसपी ऑन ड्यूटी कहाँ था? सैफी मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, मिनिस्टर ये हॉस्पिटल है और लोगों से निवेदन करिएगा कि हॉस्पिटल के बाहर कोई भी ड्रामा ना करे। हम चाहते हैं, देखिए प्रदेश की मुख्यमंत्री है और कोई भी व्यक्ति हो अगर इस तरह का हादसा हुआ है तो दुखद है। हम भी चाहते हैं कि ममता दीदी बहुत जल्दी रिकवर करें क्योंकि हमारी भी सिंपैथी उनके साथ है। सवाल ये नहीं है, प्रत्युत सवाल ये है हमारा कि सबसे पहले तो आपने कहा कि ये सिक्योरिटी का मसला था, मेरे आसपास लोकल पुलिस नहीं थी। अगर ये सब नहीं था तो आज अचानक ये थ्योरी साजिश से हादसे में कैसे आ गई? क्योंकि अब सीसीटीवी फुटेज सामने आ गया।
दरअसल ममता बनर्जी जो मंदिर मंदिर जा रही थी, इसे इस तरीके समझिए, मंदिर मंदिर ममता बनर्जी जा रही थी, और उसके बाद जो अंदर खाने से खबर है, उनको ऐसा लगने लगा कि जो 27-28% जो वोट बैंक है वो कहीं नाराज ना हो जाए ममता बनर्जी से। मंदिर मंदिर जाकर के जो एक परसेप्शन बन रहा था, ममता बनर्जी को आज की तारीख में शिवरात्रि में वहां रहना था नंदीग्राम में, इसका ऐलान वो पहले कर चुकी थी, आज ही मैनिफेस्टो जारी होना था, लेकिन उससे पहले ही शाम में ममता बनर्जी कहती है कि मुझे कुछ लोगों ने हमला मुझ पर हमला किया और मैं चोटिल हो गई, और वो कल के कल कोलकाता वापस आ जाती है। अब उसके बाद जब मीडिया में चारों तरफ, और मीडिया ही नहीं, सोशल मीडिया, यूट्यूब, हर जगह आपको वो फुटेज आते हैं जहां पर कहीं चोट की तस्वीर नहीं दिखती, लगता है कि जो पासा फेंका गया था वो उलट पड़ रहा है, ममता दीदी को फिर बैकफुट पे आना पड़ता है, वो कहती है कि ये महज हादसा है। डेरेक ओब्रायन से पूछना चाहिए जो इलेक्शन कमीशन में जाकर सवाल खड़े करते हैं, क्रोनोलॉजी समझाते हैं कि 8 तारीख को बीजेपी के साथ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने ये पोस्ट किया था, उसके बाद 9 तारीख को डीजी को हटा दिया गया से, और उसके बाद 10 तारीख को भी एक पोस्ट किया गया, तो वो क्रोनोलॉजी को तो खुद ममता बनर्जी ने धत्ता बता दिया। ममता बनर्जी ने कहा कि एक हादसे को शिकार हो गई है, लोगों से अपील की, अपने समर्थकों से अपील की कि आप शांति बनाए रखें। तो ये जो यूटर्न है इसमें टीएमसी खुद अब घिर गई है। अब डेरेक ओब्रायन से कुछ बोलते नहीं बन रहा है, टीएमसी के बाकी नेताओं से बोलते नहीं बन रहा है, जो नंदीग्राम से मेरे साथ रमन भी बने हुए। रमन आपके पास क्या अपडेट है, नंदीग्राम में क्या वहां पर चल रहा है, क्योंकि आप तो पूरी रात कवरेज पर थे, पूरे रात में उस ग्रामीण इलाके को आपने देखा है, वहां पर लोगों का क्या कहना था जरा समझाइए मुझे, क्योंकि मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि हिंदुस्तान की सबसे बड़ी टीम बंगाल की सबसे बड़ी कवरेज पर है। रमन, उसके बाद मैं गेस्ट पर आ रही हूं। देखिए माधुरी, सबसे बड़ी बात यह है कि अगर सच कुछ और होता तो वो सच भी मैं दिखाता, क्योंकि हिंदुस्तान में हम सच दिखाते हैं, तो लेकिन जो सच मैंने दिखा वही मैं बताऊंगा, क्योंकि जो देखा वही हम बताते हैं। दरअसल वहां पर जो चश्मदीद थे उन्होंने साफ साफ कहा, मिठाई की दुकान वाला जो कि ठीक सामने था उसने साफ साफ कहा कि यहां पर दीदी को किसी ने किसी साजिश का हिस्सा नहीं बनाया, उनकी गाड़ी वहां पर आई और उनको उस खंभे से चोट लगी। वहां पर जो वीडियो था, एक आदमी जो कि फेसबुक लाइव कर रहा था छत पर खड़े होकर, वो वीडियो हमने सबसे पहले दिखाया, उसमें साफ साफ नजर आ रहा है कि गाड़ी आती है और वहां पे दीदी बाहर निकलती है, उनके पीछे उनका शैडो जो है खड़ा है जो कि दरवाजे को सपोर्ट कर रहा है, लेकिन वहां पे ठीक आके दीदी बाहर आती है, अपने कार्यकर्ताओं से मिलती है, कार्यकर्ता फोटोज लेते हैं, और ड्राइवर की गलती से गाड़ी थोड़ा आगे जाती है, वो दरवाजे से खंभे से टकरा जाती है, तो ये साफ वीडियो में दिख रहा है। उसके बाद दीदी की गाड़ी आसानी से आगे निकल जाती है। उससे पहले भी जो पुलिस के जवान है वो तैनात होते हैं, दूसरी तरफ दोनों तरफ वो प्रोटोकॉल के जैसे फॉलो किया जाता है, वीआईपी प्रोटोकॉल, लोगों को अगल बगल करते हैं, और बीच में दीदी की गाड़ी सेफ पैसेज में आगे आती है। चश्मदीद 3, 4, 5, 6, 7, 8 बहुत सारे चश्मदीदों से बात की, सबने यही कहा कि यहाँ पर इस तरह की कोई घटना नहीं हुई, दीदी को चोट लगी, सबको सहानुभूति है, दीदी जल्द से जल्द ठीक हो, सबकी यही दुआ है। रमन प्रत्युष, तमाम मेरे सहयोगी लगातार इस बंगाल की कवरेज पर बने हुए हैं, मेरे साथ जो मेहमान बने हुए वो भी मैं आपको बता दूं कौन कौन इस डिबेट में मेरे साथ आज मौजूद रहेगा। सयान चट्टोपाध्याय बने हुए हैं प्रवक्ता टीएमसी के, बप्पा चटर्जी हैं प्रवक्ता बीजेपी से, ऋषि मिश्रा राजनीतिक विश्लेषक मेरे साथ हैं, और ममता काले जी है। सयान, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? सुजाता मंडल अब से कुछ देर में टीएमसी के नेता मेरे साथ जुड़ेंगे। सयान, जवाब दे पाएंगे, खंभे से टकरा गई थी दीदी इसलिए वोट के जो चोट की थ्योरी थी वो बदल गई, अब सीसीटीवी सामने आने के बाद कह दिया कि हादसा था, अब तक आप लोगों को सिंपैथी गेन करनी थी इसलिए यह साजिश थी। देखिए, आज हम लोग के पार्टी से इलेक्शन कमीशन में चिट्ठी दिया गया है, उसमें डिटेल्स लिखा हुआ है चिट्ठी में। दीदी जो आज बाइट दी है, आप देखें कि हम लोग के समर्थक दे आर सब चार्ज्ड अप हो गए, और हम लोग नहीं चाहते कि स्टेट में कोई कोई भी एक्साइटेड होके कुछ भी करे जिससे इंसान का प्रॉब्लम हो, जिसके लिए दीदी हॉस्पिटल से यही वार्ता दे रही है कि उनके समर्थक शांत रहे, क्योंकि इलेक्शन है और हम लोग चाहते हैं कि अच्छे से इलेक्शन बीते, लेकिन दीदी के ऊपर कुछ भी हो जाए तो उनके समर्थक चुप नहीं रहेंगे, ये वो अंदाजा लगा के ये स्टेटमेंट की है कि अपना समर्थकों को शांत रख पाए। नहीं, समर्थकों को शांत रख पाए उसमें ठीक है सर, मेरी भी पूरी संवेदना है, मुख्यमंत्री है और कोई भी व्यक्ति जिसको इस तरह की चोट लगी हो, मेरी पूरी संवेदना। सर सुनिए मेरी बात, सुनिए आप मेरी बात, मजाक मत समझिए, लोकतंत्र में लोगों को भड़काना भरमाना बहुत आसान है आप लोगों के लिए, बहुत आसान है आप लोगों के लिए, मेरी पूरी संवेदना है, दुखद हादसा है, मैं कल से कह रही हूं यह हादसा है, आज वीडियो सामने आने के बाद आप कहते हैं कि हादसा है, इससे पहले तो आपने लोगों को खड़ा कर दिया ना, वहां लोग लड़ रहे हैं कि हमारी ममता दीदी के खिलाफ साजिश की गई, बीजेपी हाय हाय के नारे लगा रहे हैं आप लोग, आप लोगों के यहाँ बंगाल में चुनाव है, क्यों नहीं समझते इस रंग को आप, या आप चाहते थे कि
ऐसा हो? नहीं समझेंगे क्योंकि आप पप्पा चटर्जी जवाब दीजिए, पप्पा चटर्जी जवाब दीजिए, पप्पा चटर्जी को लाइए क्योंकि बंगाल में हम जवाब दीजिए इनको। देखिए किसी भी तरह का एक्सीडेंट दुखद होता है चाहे किसी का भी हो। स्क्रीन पे लाइए दोनों को, पप्पा और सयान को प्लीज। लेकिन तृणमूल कांग्रेस जिस तरह से इसको लेके आम आदमी का ऊपर प्रेशर क्रिएट कर रही है और ये रास्ता पे टायर जला के इनके जो दूत है वो प्रतिवाद दिखाने के नाम पे जो लड़ रहे हैं, आदमियों को भड़का रहे हैं और समाज में एक अराजकता का माहौल तैयार कर रहे हैं, ये सही में निंदनीय है। ये सही में तृणमूल जान चुकी है कि उससे वोट बैंक का जो पॉलिटिक्स था और ये वोट का जो कहानी था वो खत्म होने वाला है। नंदीग्राम में ममता बनर्जी एकदम हार जा रही है, इसको देखते हुए ये सारा जो ड्रामा है इसका प्लेटफॉर्म रेडी किया गया है। हम लोग फिर कहते हैं कोई भी एक्सीडेंट दुखद होता है लेकिन इसके लिए बिना कोई कार्रवाई किए बिना कोई जांच किए आप बेफजूल के किसी के ऊपर उंगली उठाते हो। किस बिना पे आप उंगली किस बिना पे उंगली उठाई बताइए सयान चटर्जी। देखिए सयान चट्टोपाध्याय इलेक्शन कमीशन हम लोग ने कंप्लेन लॉन्च किया इलेक्शन कमीशन को, आज सुबह चिट्ठी दिया गया है और आज शाम को बहुत सारे मीडिया उस गाड़ी के सामने पहुंचे, लोकल मीडिया हमको पता नहीं आप लोग पहुंचे कि नहीं, और उस गाड़ी में अगर कोई भी पिलर के साथ एक गाड़ी का धक्का लगता है तो गाड़ी में हल्का सा भी खरोच रहता है। आप जांच कीजिए, आप सारा देश को आप दिखाइए जैसे आप दिखाते हैं उस गाड़ी के गेट में कोई भी खरोच है कि नहीं, तो हम लोग उसी चीज में अनर है। भाई साहब आप लोग गाड़ी की चोट पर आ गए, मैं तो ड्यूटी की चोट पर बात कर रही हूँ, बहुत बड़ी बात है। प्रदेश की मुख्यमंत्री को कोई धक्का मार दे तो आप सवाल अपनी पुलिस से पूछ रहे हैं, आपके ही प्रशासन का फेलियर है, समझे आप किससे सवाल पूछ रहे हैं आप। दीदी कह रही है कि वहां पर लोकल पुलिस नहीं थी मेरे पास, कैसे संभव है? नंदीग्राम किसके अंडर में आता है? बंगाल में आता है ना, मेदिनीपुर का एक छोटा सा इलाका नंदीग्राम में मुख्यमंत्री पहुंचे और वहां लेयर्स ऑफ सिक्योरिटी नहीं होगी स्टेट के अंदर, नहीं ये जानकारी तो होना चाहिए आपको। नहीं सारी जानकारी है मुझे, तभी पूछ रही हूँ कि बिना जानकारी के बिना जांच के आप लोगों ने वहां इसे चुनावी रंग देने की कोशिश क्यों की, जवाब दीजिए। हम लोग कम दीदी जो देखिए दीदी वहाँ पे थी उसी को उन्हीं को चोट लगा है, उनका पैर खुला हुआ आप लोग सब देखे, मेडिकल रिपोर्ट बुलेटिन आ रहा है, तो हम लोग कंप्लेन किए इलेक्शन कमीशन को, जो अथॉरिटी है उनको वो डिसाइड करेंगे वो विचार देंगे, हम और आप विचार देने वाले कोई नहीं है अभी। नहीं मैं कोई विचार नहीं दे रही हूँ, मेरा कोई ओपिनियन नहीं है, मेरा कोई एजेंडा नहीं है सर, सिंपल सा सवाल है। मैंने तो पूरी कवरेज की है, मेरे रिपोर्टर्स पूरी रात आपके साथ आपके काफिले हॉस्पिटल नंदीग्राम हर जगह पे तैनात थे, हर जगह हमने लोगों से बात की है, ये सारा भावनाओं का खेल है, सेंटीमेंट्स का खेल है सर। ममता काली को जोड़ रही हूँ मैं डिबेट में, ऋषि मिश्रा को भी जोड़ रही हूँ, आप लोग सिर्फ सेंटीमेंट से खेलते हैं, आप लोगों ने सेंटीमेंट्स के आधार पर लोगों को भरमाया, आपने कहा कि ये साजिश है मैं शिकायत करूंगी, करिए शिकायत, इसी ने खुद यहां पर संज्ञान लिया नंदीग्राम पुलिस से। अरे आप होने दीजिए, जैसा होता है करने दीजिए इसी को अपना काम, लेकिन इसके बीच में फिर आकर आपको कहना पड़ा कि हादसा था क्योंकि आप एक्सपोज हो जाते। अरे शर्म आनी चाहिए इस तरह की चीजें करने में, आपको सेंटीमेंट से खेलते हैं लोगों के, उन लोगों के जिसको आपने मामा टी मानुष का वायदा दिया, जिनके लिए आप लोगों ने कहा कि हम विकास की बात करेंगे। हम लोग को ये इलेक्शन का टाइम है, ममता जी को मैं लाऊंगी स्क्रीन पर लेकिन मजबूरी है, मेरी मजबूरी, एक 60 सेकंड का ब्रेक ले रही हूँ। सयान चट्टोपाध्याय ब्रेक से आने के बाद जवाब चाहिए मुझे कि आपकी चोट की साजिश वाली थ्योरी हादसे में क्यों तब्दील हो गई, इसका जवाब पूरा देश चाहता है। ये सरासर एक सियासी पखंड है। वो राजनीति कर रहे हैं कार्यकर्ता आपस में भिड़े हुए हैं लेकिन पुलिस चोट पर मचा बवाल है क्योंकि वोट का सवाल है। वोट के लिए छिड़ा सियासी संग्राम, चोट जिताएगी दीदी को नंदीग्राम। वो राजनीति कर रहे हैं, हम चाहते हैं
इन चीज़ों पर राजनीति नहीं होना चाहिए और चुनाव आयोग को जल्दी से खुलासा करना चाहिए। ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि ममता दीदी को नंदी ग्राम के जिस बिरुलिया बाजार में चोट लगी थी उसका सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। आप भी ध्यान से देखिए, इसमें कहीं नहीं लग रहा कि दीदी को किसी ने जानबूझकर घायल किया या उनके समर्थकों के हुजूम के बीच किसी विरोधी ने ऐसी साजिश करने की हिम्मत भी की होगी। सीसीटीवी के सबूत को और पुख्ता किया वहाँ मौजूद चश्मदीदों ने। सुनिए कैसे लगी होगी ममता दीदी को चोट। झूठ बोलता, धक्का नहीं मिलता, कोई धक्का नहीं। मैं पोस्टर पोस्टर लेके दो जरा चिपे गए। हाँ झूठ बोलते, उसमें धक्का लग गया था, दबरजा लग गया। यही जगह गाड़ी छिला। सीसीटीवी का वीडियो और चश्मदीदों के बयान सामने आने के बाद अचानक दीदी अस्पताल के बेड पर लेटी हुई एक बयान जारी करती हैं और उसमें कहती हैं कि गलती से कार पैर पर चढ़ गई थी। कल तक हमले को साजिश कहने वाली दीदी आज किसी पर आरोप नहीं लगाती और अपने समर्थकों से शांति बनाए रखने की अपील करती हैं। और कहाँ का चोट लगा आपको, कहाँ का चोट लगा, पैर में? हाँ दीदी, किस रहेंगे चुनाव आयोग में? हाँ दीदी, और दीदी जो आपका आप कलकत्ता जा रहे हैं। हमें सबाई के विशेष करे हमारे जरा करुण भाई बोन आछेन এবং সাধারণ মানুষ আছেন, এটা ঠিক যে কালকে খুব জোর আমার লেগেছিল, থেকে ডাক্তারদের চিকিৎসাধীন আমি আছি। আমি অনুরোধ করব আমার সকলের কাছে যে সকলে শান্ত থাকুন, সংযত থাকুন, ভালো থাকুন আর এমন কিছু করবেন না যাতে মানুষের কোনো অসুবিধা হয়। আমি আশা করি দু তিন দিনের মধ্যে আমি আবার নিজের ফিল্ডে ফিরে যেতে পারবো। लेकिन मामला इतना गर्म हो चुका है कि चुनाव आयोग, स्थानीय पुलिस सब सच्चाई जानने के लिए जांच में जुटे हुए हैं। ममता दीदी के हादसा या हमले वाले कंफ्यूजन से पहले ही चोट पर वोट का खेल शुरू हो चुका है क्योंकि टीएमसी से लेकर हर पार्टी इस बात को जानती है कि पहले चरण के मतदान से 17 दिन पहले मुख्यमंत्री ममता को लगी चोट सारे सियासी समीकरण बदल सकती है। तो टीएमसी कार्यकर्ता चोट को भावनात्मक मुद्दा बनाने में जुट गए। वी कंडेम दिस काइंड ऑफ बिहेवियर, वी कंडेम दीज इंसिडेंट्स एंड वी वॉन्ट the truth to prevail and we want people like you in the media to help us and to help the election commission not to spread all kinds of other spins. तो उधर विपक्षी पार्टियां अपने वोट बैंक को बचाने के लिए दीदी पर नौटंकी और पाखंड करने के आरोप लगाने लगी। ये सरासर एक सियासी पखंड, ये सियासी पखंडी करने में माहिर है और चुनाव की पहले जब उन्हें ये महसूस हो रही है कि नंदीग्राम में उनके लिए मुश्किलें बढ़ रहे हैं तब उन्होंने ये सोचा कि अभी एक नोटों की जरूरत है, ये पखंड की जरूरत होते हैं तो इसलिए पखंड किया जाता है। मतलब वो राजनीति कर रहे हैं, हम चाहते हैं इन चीज़ों पर राजनीति नहीं होना चाहिए और चुनाव आयोग को जल्दी से खुलासा करना चाहिए। ममता दीदी को चोट तो लगी है और उनके ही दो बयान, हमला और हादसा कंफ्यूजन पैदा करते हैं। मामले की जांच जारी है लेकिन अब सवाल ये है कि 24 घंटे में ममता की चोट की थ्योरी क्यों बदल गई? देश को जवाब दो। ममता दीदी के चोट की थ्योरी क्यों बदल गई? बहुत सिंपल सा सवाल है। मेरे साथ तमाम मेहमान बने हुए हैं लेकिन इस वक्त इस खबर का असर देखिए। आप ये समझिए, जब दीदी ने कहा कि मेरे खिलाफ साजिश हुई तो कार्यकर्ता भावनाओं में बह गए और अभी भी जब दीदी की अपील हो चुकी है, इस वक्त बड़ी खबर सुनिए, उस अपील का कोई असर नहीं दिख रहा कार्यकर्ताओं पर। नंदीग्राम में नाराज समर्थक प्रदर्शन कर रहे हैं, ममता की अपील का कार्यकर्ताओं पर कोई असर नहीं पड़ा है। मेरे साथ सयान जुड़े हुए, सयान क्या समझा पाएंगे सर कि अगर आपके कार्यकर्ताओं की ये जो प्रदर्शन है, जो नाराजगी है, इससे किसी और को असर पड़ता है तो फिर इसे जस्टिफाई कर पाएंगे सर? क्योंकि बंगाल में हिंसा, हंगामे, उपद्रव के आरोप लगते हैं आपकी पार्टी पर। देखिए, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का लीडर अगर उनको चोट लगे, उनके साथ कोई हादसा हो, उनके ऊपर हमला हो, ये नेचुरल सा बात है कि कोई भी पार्टी का
कार्यकर्ता उसमें रिएक्शन होगा। हम लोग को कल से ये सयान को स्क्रीन पे लाइए बप्पा चटर्जी के साथ, कंटिन्यू सर। तो कल ये हम लोग जब समझे पार्टी का लीडरशिप, आज दीदी ये समझ के ये अपील की है कि सब शांत रहे। देखिए हादसा का मतलब हमला नहीं है, नहीं है, लेकिन हम लोग को फर्स्ट हम लोग का एटमोस्फियर ठीक करना है। स्टेट का इलेक्शन का टाइम है, किसी हादसा और हमला तो एक हो ही नहीं सकता। मैं तो यही पूछ रही हूँ सर, 24 घंटे में आप हमले को हादसा बताने लगे। का मत हादसा में हमला भी हो सकता है, नहीं क्या हादसा मतलब, अगर आप देखें हादसा में हमला भी हो सकता है। मैं बहुत क्लियर बात करती हूँ सर, इतना स्क्रिप्टेड आपकी तरह नहीं हो सकती। मैं समस्या शांत हो जाए, इतनी गणित नहीं समझ में आती है मुझे, यही चाहते हैं। मैं तो बहुत सिंपल सी लाइन कह रही हूँ, 24 घंटे में आपकी चोट हादसे से साजिश से हादसा हो गई, ऐसा कैसे? देखिए हादसा का मतलब ये नहीं कि हमला नहीं हुआ है, हम लोग कंप्लेन किए इलेक्शन कमीशन को, इलेक्शन कमीशन जस्टिफिकेशन देंगे क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर उनका बात है, हम लोग का नहीं है। बड़े सयाने सर आप जो समझा रहे हैं, मुझे नहीं समझ में आ रहा है आपकी थ्योरी, आप सब गुड़ गोबर सब एक कर दिया। सिंपल सा बात है, नहीं नहीं आप समझना नहीं चाहते, ये कई और बात हो सकती है, लेकिन सिंपल बात ये है कि हम लोग कंप्लेन किए इलेक्शन कमीशन को, थोड़ा बोलने दीजिए ना, स्टेट को ठंडा रखना है। दीदी स्टेटमेंट दिए अपने पार्टी को, सब लोगों को महाशिवरात्रि की शुभकामनाएं और भगवान शिव सबको ठीक करें, ठीक करें, दीदी को भी ठीक करें, बिल्कुल। और उसके बाद ममता दीदी के लिए हमारी सबकी तरफ से गेट वेल सून विशेष। दीदी को चोट लगी है इसमें कोई दो राय नहीं। अरे सयान बाबू बोलने दो ना, अरे सयान बाबू मेरा व्रत है, सुबह से चिल्ला नहीं सकती, थोड़ा शांत ठीक है। आपको भी मैंने अभी हैप्पी महाशिवरात्रि बोला है, दीदी के लिए गेट वेल सून विशेष भेजिए। अब आप लोगों के लिए ना एक 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 जो बॉलीवुड का गाना है वो समर्पित कर रही हूँ कि ये बंगाल प्रदेश हादसों का प्रदेश है और यहाँ पे बस ममता दीदी का कहर है। यहाँ तो हर रोज रोज हर मोड़ मोड़ पर होता है कोई ना कोई हादसा, तो हादसे होना और हादसे करवाना टीएमसी में कोई नई बात तो है नहीं। अच्छा, अब आपने दो तीन चीजें बोली। पहली बात आपने बोली कि आप लोगों ने जाकर इलेक्शन कमीशन में जाकर के कंप्लेंट करवाई है। अब देखिए सयान दादा, पूरी की पूरी जो साजिश का जो चिट्ठा जो कल से आप लोग कर रहे तो खुल गया, बहुत सारी चीजें निकल करके बाहर आ गई, बहुत सारी क्लिप्स बाहर निकल के आ गई। तो दादा ये तो बताओ इसी में किसके खिलाफ कंप्लेन करी, खंबे के? अरे खंबे के खिलाफ कंप्लेन कर दी क्या दादा, क्या कैसी बात है आप लोग? दूसरी बात आप कह रहे हो कि आज ममता दीदी ने हॉस्पिटल में जो हादसे वाली जो बात बोली है वो इसलिए बोली कि ताकि उनका जो टीएमसी का कार्यकर्ता है वो शांत रहे। तो दादा एक चीज बताओ, 2015 में अभिषेक बनर्जी पर हमला हुआ था, थप्पड़ पड़ा था उनको खींच के, और उसके बाद टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने क्या हालत करी थी उस आदमी की, मार मार के भर्ता बना दिया था, भूत बना दिया था उसका। कल चार लोगों ने, कल चार से पांच लोग आगे ममता दीदी के ऊपर हमला करने के लिए, आप मुझे ये बताइए काडर ने क्यों नहीं उनको पकड़ा? काडर क्या चार लोगों को नहीं पकड़ पाई? काडर क्या खड़ी थी? काडर का क्या चिंता नहीं हुई? आप ये सोचे सिक्योरिटी थी दीदी की? आप कह रहे हो कि क्योंकि टीएमसी का कार्यकर्ता उग्र हो सकता है इसलिए आज दीदी ऐसे बयानबाजी हॉस्पिटल से कर रही है, कल दीदी ने ये क्यों नहीं किया? उतना ये समझदारी कल क्यों नहीं दिखाई? क्यों नहीं दीदी ने बोला कि चाहिए थी वो नाराज समर्थक। आप समझाइए कल कितनी तारीख है? कल 12 तारीख है, कल कौन पर्चा भरने जा रहा है नंदीग्राम में? शुभेंदु अधिकारी। यही नाराज कार्यकर्ता अगर उनके साथ कुछ करते हैं तो फिर किस पर आरोप लगेगा सर? बिल्कुल इसी को समझते हुए अब आपने हादसा बता दिया, इसी को समझते हुए क्योंकि सीसीटीवी सामने आ गया, अब आप एक्सपोज हो जाएंगे, अब अपने हादसा मतलब हमला नहीं, ये कोई नहीं बोल रहा है। इन्वेस्टिगेशन ईसीआई करेगा, ईसीआई वर्डिक्ट देगा कि क्या हुआ है, आप भी नहीं हम भी नहीं। हम लोग आरोप लगा सकते हैं, हम लोग अपना जस्टिफिकेशन दे सकते हैं, लेकिन जिसके अंडर लॉ एंड ऑर्डर है आयोग का क्या फाइनल वर्डिक्ट देगा कि क्या है, इंतजार करना चाहिए।
और मुझे बहुत ऋषि जी आपने डीजीपी वाली बात बोली, इसलिए सॉरी मैं बीच में बोल रही हूँ, मुझे मालूम है डीजीपी वाली बात बोली ना, ये भी एक एंगल है, पूरे डीजीपी को वहां से ट्रांसफर कर दिया, मैं बोल रहा हूँ कोई पुलिस नहीं थी, मैं डीजीपी को हटा दिया इसलिए मेरे पे हमला हो गया, लोकल पुलिस नहीं है सर, लोकल पुलिस ग्राउंड पर जाने दीजिए, एक फैक्ट आपसे सुनती हूँ, ग्राउंड पर जाने दीजिए, ग्राउंड पर रमन मेरे साथ बने हुए हैं, प्रत्युष बने हुए हैं, सैफी बने हुए हैं, रमन क्या अपडेट है आपके पास, नंदीग्राम में क्या माहौल है, क्योंकि बताया जा रहा है कि वहां समर्थक नाराज है और उनका कोई वहां पर बस नहीं है, क्योंकि अब उनकी नाराजगी दिख रही है, दीदी की अपील का कोई असर नहीं है, और सयान जी प्लीज आंखें खोल के देख लीजिएगा इन विजुअल्स को। देखिए सबसे बड़ी बात माधुरी ये है कि डीजीपी से ऊपर होम मिनिस्टर होता है, पश्चिम बंगाल में होम किसके पास है ये शायद सब लोग अच्छी तरह से जानते हैं, और उसी के ऊपर सारी कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी होती है किसी भी राज्य की, और अगर कानून व्यवस्था की बात करूं तो मैं उसका चश्मदीद गवाह हूं, सुबह मैं वहां पर पहुंचा हूं और उसके बाद एसपी और जो डीएम आए थे उन्होंने बयान लिए, उसके बाद वो चले गए, पुलिस का जवान वहां पर नहीं था, पीटीएमसी के कार्यकर्ता वहां पर जमा होते हैं और उन लोगों को टारगेट करना शुरू करते हैं जो कि सच्चाई बता रहे थे, जो चश्मदीद थे, उसके बाद बीजेपी के कार्यकर्ता आते हैं, टीएमसी और बीजेपी के कार्यकर्ताओं के बीच गुत्थम गुत्था होने लगती है, हंगामा होने लगता है, 25 मिनट तक एवी पुलिस का जवान वहां पर मौजूद नहीं था, जब वो सेंसिटिव जगह थी, जब वहां पर जांच हो रही थी तो वहां पर क्या एक पुलिस का जवान तैनात नहीं होना चाहिए था, अब ये इसमें किसकी गलती है, क्या वहां पर उस संवेदनशील जगह पर अगर टीएमसी और बीजेपी के कार्यकर्ता भिड़ रहे थे, अगर वहां पर फिर कुछ हो जाता 25 मिनट बाद पुलिस पहुंची है तो फिर वो किसकी जिम्मेदारी होती, आप कहते क्या ये भी एक हादसा है, क्या पुलिस की जिम्मेदारी नहीं बनती है, और इसीलिए कहा गया चुनाव आयोग ने 8 चरणों में चुनाव करवा रहा है क्योंकि उन्हें पता है कि यहां पश्चिम बंगाल में निष्पक्ष और भयमुक्त चुनाव करना बेहद मुश्किल है, और इसीलिए पैरामिलिट्री फोर्सेस की इतनी कंपनीज यहां पर डिप्लॉय की गई हैं, तो ये हकीकत है और यही सच्चाई है कि वहां पर आज दिन में भी हादसा हो सकता था, जब टीएमसी और बीजेपी के समर्थक है उनका रिएक्शन क्या है, क्योंकि नंदीग्राम में कल शुभेंदु अधिकारी जाएंगे अपना नामांकन भरने, अपना पर्चा, देखिए टीएमसी के समर्थक टीएमसी के समर्थक नाराज हैं, हो सकता है कि दीदी की इस अपील के बाद कुछ शांत हुए हों, लेकिन लगातार वो नाराज हैं और उन्हें लग रहा है कि ये साजिश है, क्योंकि बयान ने जो उन्होंने कल दिया था उसने अपना काम कर दिया, क्योंकि जो भी समर्थक होगा वो अपने कार्यकर्ता होगा, वो अपने नेता को बहुत प्यार करता है, पसंद करता है, और उन्हें ये तस्वीरें देख के जरूर वो विचलित हुआ होगा, तो वो बयान पहले देना चाहिए था, जो आज का बयान था वो कल ही दे देना चाहिए था कि शांति बनाए रखे, क्योंकि यहाँ पर उनके ऊपर मुख्यमंत्री की भी जिम्मेदारी है, पहले भी ये जो बयान दिया कि मेरे खिलाफ साजिश है बस मैं शिकायत करूंगी, आप इतनी बड़ी बात प्रदेश के मुखियाओं के नहीं कह सकते, आपके साथ चोट लगी है सबको दिख रहा है, सबकी संवेदना आपके साथ है, दुखद है, आप जल्दी रिकवर करें, हर कोई चाहता है, हमें भी मजा नहीं आएगा ममता दीदी नहीं है तो, अगर चुनाव में खेला नहीं हो सकता है वहां पर, लेकिन आप ये समझिए कि आपने गाड़ी में बैठते कह दिया कि मेरे खिलाफ साजिश है, मुझ पर हमला कराया गया, ये बहुत बड़ी बात है। देखिए माधुरी जी, मेरा ये कहना है कि चुनाव आयोग की टीम कल जा रही है, उनको जांच करने दीजिए ना, हम आप कौन होते हैं फैसला नहीं, हम कुछ नहीं कह रहे हैं, हम तो कुछ नहीं कह रहे हैं ना, ऋषि मिश्रा जी आप मेरे साथ बैठे हैं सर, विजुअल आप भी देख रहे हैं, मेरी बात किसके खिलाफ कंप्लेंट की होगी, इन्होंने जाके किसके खिलाफ कंप्लेंट की, खंबे के खिलाफ, खंबे के, बात कंप्लीट हो जाएगी, ममता जी मैं बोलूं, जब मैं शोर शराबा करूंगा बीच में बोलूंगा तो आप कहेंगे कि बीच में बोल रहे हैं, जब मैं बोल रहा हूं तो आप मुझे बोलने, अरे आप सही बात करिए ना ऋषि जी, आज एकदम आज आप सही बात करिए, सुन नहीं मिली आज आपको क्या हो गया, मैं सुन तो लीजिए ना, चुनाव आयोग की टीम को जाने दीजिए, चुनाव आयोग क्या रिपोर्ट क्या आता है उसके बाद आप हम लोग को एक मैंडेट दे रहे हैं, पहली बात सुन लीजिए ना, ममता जी ममता बनर्जी के पॉलिटिकल कैरियर को आप जानते हैं, पॉलिटिकल जर्नी को जानते हैं, ममता बनर्जी क्या इस प्रकार की नेत्री है, ममता दीदी राजनीति से खो रही
जेपी नड्डा पे हमला होता है तो वो हमला होता है। ममता बनर्जी को सीरियस फ्रैक्चर आया है तो वो हमला नहीं है। आप कैसे कंफ्यूज कर जाती हैं? ऋषि जी, जेपी नड्डा पे जब हमला होता है तो हमला है, जेपी नड्डा पे हमला होता है तो हमला है। ममता बनर्जी को सीरियस इंजरी आया है तो हमला नहीं है। कैसी बात करते हैं आप? उसका भी निंदा मैंने किया था और जांच की मांग किया था। और इनके सांसद और इनके नेता कल से ही बयान दे रहे हैं, सहानुभूति दिखाने के बदले कल से ही बयान दे रहे हैं। आचार संहिता में मुख्यमंत्री के पास पावर नहीं होता है, ये बात जा समझ लीजिए। चुनाव आयोग जिम्मेदार है, चुनाव आयोग 9 तारीख को डीजीपी को बदला, चुनाव आयोग 9 तारीख को डीजीपी बदला, क्यों बदला डीजीपी? नए डीजीपी क्यों ने जिम्मेवारी लिया? हमला कराया वहां पर भाजपा के 130 से 35 कार्यकर्ता मारे गए। अच्छा। इसीलिए तो मैंने बोला कि बंगाल प्रदेश हादसों का और साजिशों का प्रदेश है और ममता दीदी का कह रहे हैं गुजरात में, गुजरात में तो गृहमंत्री हो गई, पता चल पाया बीजेपी के नेता नहीं देखा। बप्पा चटर्जी और सयान को लाइए सामने। सयान चट्टोपाध्याय सर, मेरी बात शांति से सुनिएगा। हमारे देश में चुनाव जो है ना वो लोगों के सेंटिमेंट्स का खेल हो चुका है। जब जब आप लोगों के बीच जाकर कहते हैं हम आपके लिए कुछ करेंगे, व्यक्ति आप पर भरोसा करता है। ये जो कैडर की बात करते हैं ना, ये मेरा कैडर है, ये आपका कैडर है, वो कैडर आप पर भरोसा करता है। इसलिए कह रही हूं, आपने भरोसे से खेला, आपने चोट को, हादसे को आपने वोट के लिए कह दिया मेरे खिलाफ साजिश हुई। आप ये बताइए, ये जो नाराज समर्थक हैं, कल को ये हुड़दंग करते हैं तो उसकी जिम्मेदारी लेंगे दीदी, या ये कह के शांत हो जाएगी कि मैंने तो अपील कर दी थी? भावनाओं का खेल आप खेल रहे हैं लोगों से। सयान बप्पा जवाब देंगे इसका। सयान वर्सेस बप्पा बुलाइए। हम बोले कि कोई सयान से सवाल है, भावनाओं से सेंटिमेंट से खेल रहे हैं लोगों की। नहीं देखिए, हम लोग कल वहां पे, दीदी खुद गाड़ी से निकली थी बाहर, दीदी कल जो स्टेटमेंट दी है कि मेरे ऊपर हमला हुआ है, उस बेसिस पे आज सुबह हम लोग कंप्लेन किए हैं और वो कंप्लेन वापस नहीं लिए अभी तक। कल से समर्थ हम लोग के जो कार्यकर्ता है, दीदी नेचुरली लीडर ऑफ द पार्टी है, बंगाल में हम लोग का एक सेंटिमेंट है भाई साहब, उसमें सुनिए मेरी बात, ये भरोसा का कोई खेल नहीं है। नहीं पूछी मैंने आपसे सवाल पूछा कि जिस भरोसे के आधार पर वो व्यक्ति आपके लिए लड़ने के लिए खड़ा है टीएमसी का समर्थक बनकर, क्या कल को हुड़दंग करता है तो आप जिम्मेदारी लेंगे? हम लोग सब जिम्मेदारी लेंगे आप लोग, लेकिन हम लोग जवाब कहीं आपकी है या नहीं? मोहल्ला प्रदेश के मुखिया अपनी ही सिक्योरिटी के लिए सवाल पूछती है, अपनी ही चोट को कह रही है मेरे साथ साजिश हुई है, आप कंप्लेन करने चले जाते हैं, लोग हाथों में तख्तियां लेकर दूसरी पार्टियों के हाय हाय के नारे लगा रहे हैं, हंगामा कर रहे हैं, कल को प्रदेश में हुड़दंग हिंसा होती है तो जिम्मेदारी आप लेंगे क्या? बता पाएंगे आप? कल कुछ ना हो इसलिए दीदी बहुत शानदार गेम खेला, बहुत शानदार गेम खेला आपने, कल कुछ ना हो इसके लिए एक छोटी अपील कर दी, ठीक है, और कल सेंटीमेंट का पूरा ड्रामा किया, जहां एक तरफ कहा मेरे खिलाफ साजिश हुई, मेरे खिलाफ साजिश हुई, मैं शिकायत
चुनाव आयोग जाकर शिकायत करते हैं, एफआईआर करवाते हैं, एफआईआर वापस भी नहीं लेते। एक रिटन कम्युनिकेशन ये आप क्यों अवॉइड कर रहे हैं? रिटन कम्युनिकेशन हुआ है पार्टी से। भाई साहब मुझे ये बता दीजिए, कल नंदीग्राम में कोई ड्रामा होता है, आपके समर्थक किसी तरह की हिंसा हुड़दंग करते हैं, तो क्या जिम्मेदारी लेगी क्या टीएमसी? हम लोग को कार्यकर्ता को शांत करना है, हम नहीं चाहते यहाँ पे मेरे बीजेपी के जो भाई बैठे हैं उनके साथ और मेरे साथ कोई पर्सनल एनिमिटी नहीं है। वो एक दल करते, हम एक दल करते, इनके पास कोई जवाब नहीं, इनके पास कोई जवाब नहीं है, लेकिन हम चाहते हैं इनके पास जवाब इसलिए नहीं है क्योंकि सीसीटीवी नहीं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अरे प्रशासन अपना काम करेगा, चुनाव आयोग तो जानता था, चुनाव आयोग तो जानता था कि आप लोग यहाँ इनसे हंगामा करवाएंगे, इसीलिए 8 चरणों में चुनाव हो रहा है। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति क्या है ये जानता था, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति किसके हाथ में है दीदी? क्या अपने ही प्रशासन अपने ही पुलिस के खिलाफ आवाज उठा रही थी? एसपी का जिम्मेवारी है, आप लोगों के पास जवाब नहीं है। कीजिए उस खंबे पे एफआईआर करवाइए, खंबे की इलेक्शन कमीशन में शिकायत कीजिए, फास्ट ट्रैक कोर्ट में केस चलाइए, और उस खंबे को जेल भेजने के बदले ठीक है। ऋषि मिश्रा, ऋषि मिश्रा, ये चुनाव है, ये चुनाव है, खेला हो गया, सुनिए 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 मेरी बात सुनिए, ये खेला हो बे, खेला हो बे, ये खेला शुरू हो चुका है, समझ लीजिए, ये जान लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया मेहमानों का मेरे साथ जुड़ने के लिए, लेकिन इस वक्त लाइव तस्वीरें फिर दिखा रही हूं क्योंकि दीदी सीटी स्कैन के लिए दूसरी बिल्डिंग में ले जाया गया था उनको, अब फिर से उसी बिल्डिंग के वार्ड नंबर 12 में लाया गया है। यहाँ पर दीपेंद्र सरकार जो उनके डॉक्टर हैं, सर्जन हैं, वो उनके साथ मिलेंगे, उनके साथ 7 लोगों की डॉक्टर्स की टीम है मेडिकल की जो उनका इलाज कर रही है, कार्डियोलॉजिस्ट भी, डॉक्टर कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर सरोज है उनके साथ, और भी 5 लोग उनके साथ हैं, पूरी टीम उनके साथ लगी हुई है। और मैं और मेरा चैनल जी हिंदुस्तान ये कामना करता है कि दीदी आप जल्द स्वस्थ हो, और व्हील चेयर पर नहीं, आप अपने पैरों पर चल के जाएं, आप अपने चुनाव प्रचार को करें, आप अपनी बात रखें, क्योंकि आप एक जुझारू महिला है, आपका जज्बा सबने देखा, आपकी शख्सियत पर कोई सवाल, लेकिन आपके राजनीति करने के तरीके पर सवाल होगा, क्योंकि लोगों की भावनाओं से खेलना बंद कीजिए। आपने लोगों की भावनाओं से खेला, आपने लोगों को यह बताया कि मेरे को जो चोट लगी वो साजिशन हुआ, आज सीसीटीवी फुटेज सामने आ गया, आपको घबरा के कहना पड़ा कि ये हादसा है, ये हादसा है, हम तो पहले दिन से कह रहे थे, क्योंकि कभी भी किसी प्रदेश के मुखिया का सिक्योरिटी इतना फेल नहीं हो सकता कि उसके पास 4-5 लोग जाकर धक्का मार सके। आज वीडियो में दिख रहा है कि खंबे से आप टकराए, कैसे आप साबित करेंगे? नहीं कर सकते, इसीलिए इसीलिए आपने साजिश को हादसे में रख दिया, हादसे में रख दिया। लेकिन यह समझ लीजिए, देश के पास आपके लिए सवाल है कि आपकी 24 घंटे में थ्योरी बदल क्यों गई, और आपके पास कोई जवाब नहीं है क्योंकि आपने अपने प्रदेश के लोगों के सेंटिमेंट्स के साथ खेलना शुरू किया। नंदीग्राम में आपके समर्थक प्रदर्शन कर रहे हैं, आपकी अपील का कोई असर नहीं हो रहा, लिख के ले लीजिए, आप लोग ये चाहते थे कि आप इस पूरे ड्रामा को वोट युद्ध में लेकर जाएं, सियासी बनाएं, आपने कर दिया, लेकिन अब जो सीसीटीवी फुटेज सामने आया है उससे बहुत कुछ साबित होगा। फिलहाल डिबेट में इतना ही, आगे खबरों के लिए देखते रहिए जी हिंदुस्तान।